एक सेकंड रुकना, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके यस ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने मॉलिकुलर बायोलॉजी का करा था, तो उसमें किसी ने पढ़ा था, किसी को कोई डाउट? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उनका रेगुलेशन, कोई डाउट तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं है किसी को डाउट? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तुम लोगों ने जब लास्ट क्लास के थे उससे रिलेटेड? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सचिन, आ रही है, यस आ रही है। देखो चलो, डाउट आया किसी में जो क्वेश्चन डाउट सॉल्व? डाउट छोटे से छोटा भी हो ना तो पूछ लो, पेपर में छोटी से छोटी चीज भी हो दिक्कत आती है, तो अगर कुछ भी डाउट है पहले का पढ़ा हुआ तो पूछ लो, कुछ भी मतलब छोटा भी अगर ग्लिच लग रहा है कहीं भी तो। नहीं है लगता। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और तो हमने लास्ट में ख़त्म करा था, हमने लास्ट अपनी क्लास में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का ट्रांसलेशन और उसका रेगुलेशन देखा था, ऑपरॉन पढ़ा था मैंने लास्ट में। तो अब हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस के आगे चालू स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक, ठीक है? और उससे पहले जो एक टॉपिक सबको समझना था, आरएनए इंटरफेरेंस, तो वो एक बारी में समझा देता हूँ। तो पहले तो हमारे जो आरएनए होते हैं, आरएनए को हम दो तरीके में बोल सकते हैं। एक होता है कोडिंग आरएनए, एक होता है हमारा नॉन कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए जो हमारा आरएनए जो बनेगा, जो प्रोटीन में ट्रांसलेट होगा, दैट इज कॉल्ड द कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं जो हमारा प्रोटीन कोड नहीं करते, बट दे आर यूजफुल इन द रेगुलेशन ऑफ द कोडिंग आरएनए। सो फॉर एग्जांपल, इसके जैसे siRNA होता है, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। देन देर इज द miRNA, द माइक्रो आरएनए, tRNA, राइबोसोमल आरएनए, ये सारे हमारे नॉन कोडिंग आरएनए में आते हैं। तो हमारे जो कोडिंग आरएनए होता है 2% ही होता है, मतलब पूरे हमारे जो जीनोम है 2% आरएनए ही हमारा प्रोटीन्स को कोड करता है, बाकी 98% उनकी रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। सो अभी तो मेजर जो हमारा जो आरएनए इंटरफेरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला तो आरएनए इंटरफेरेंस, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में हमारे रेगुलेशन ऑफ द एमआरएनए जो कि हमारा टारगेट होगा। तो हमारा जैसे कि siRNA हो गया, miRNA हो गया, तो ये क्या करते हैं, हमारे एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि अगर ये प्रेजेंट होंगे तो फिर ये उसको इनिबिट करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन को हमारे एमआरएनए की, तो जिससे कि, और बाद में सब्सिक्वेंटली ये एंडोन्यूक्लियस फंक्शन शो करते हैं जिससे कि हमारा जो एमआरएनए होता है उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस में जो आरएनएज होते हैं, तो बेसिकली वो तीन होते हैं, shRNA, siRNA, miRNA। shRNA होता है आपका शॉर्ट हेयर पिन आरएनए, siRNA होता है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, miRNA होता है आपका माइक्रो आरएनए। सो हमारे जो आरएनए होते हैं ये, तो ये हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एंडोजीनस ओरिजिन हो सकता है या तो इनका एक्सोजीनस ओरिजिन हो सकता है। एंडोजीनस मतलब कि आपके सेल के अंदर बन रहे हैं, जैसे कि हमारे न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा और फिर वो बाद में अपना एक्टिविटी शो करेगा ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन का। एक्सोजीनस होता है जो हमारे सेल के बाहर से आ रहा है। अब सेल के बाहर से आएगा मतलब कि कहाँ से आएगा, सेल के बाहर से कहेंगे तो हम जैसे कि वायरसेस, वायरसेस अपना जब आरएनए होस्ट में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट कैन एक्ट एज अ साइलेंसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो ये आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। आरएनए इंटरफेरेंस, जो जो आरएनए हमारा एमआरएनए के फंक्शन में इंटरफेयर करेगा, तो आरएनए इंटरफेरेंस का सिंपल सीधे शब्दों में मतलब ये है। आरएनए इंटरफेरेंस क्यों करना होता है, एक तो डिफेंस पर्पस, कि मतलब मान लो कि हमारा
वायरस से इन्फेक्शन आया, हर वायरस से जो इन्फेक्शन आएगा उसको ज़रूरी नहीं कि वायरस कोप अप कर ले। मान लो कि हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के थ्रू हमारे होस्ट में एंटर करा। अब क्या करता है होस्ट, जो तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई किस में करता है, हमारे ये siRNA, miRNA, shRNA इनमें करता है, ताकि ये हमारे होस्ट के लिए वो ना हो, डेलीटेरियस ना हो इसका फंक्शन। और रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हमारा mRNA के ट्रांसलेशन को रेगुलेट करेगा। तो इसमें क्या होता है, RNA ब्रेक्स डाउन द टारगेट। तो RNA जो बात कर रहे हैं हम, shRNA, siRNA, miRNA इनकी बात कर रहे हैं, और जो हमारा टारगेट है वो है हमारा mRNA, जो कि फर्दर प्रोटीन ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है। ये चीज़ें, तो इसमें हम मेजरली दो के बारे में बात करेंगे, siRNA और miRNA। shRNA उसके बीच में ही आ जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो फर्स्ट है हमारा siRNA है, तो एक सेकेंड, तो siRNA साइलेंसर। सो siRNA हमारा बनता कैसे, मान लो कि हमारा इसका ओरिजिन जो होता है वो हमारा होता है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस मतलब कि बाहर से आएगा। हम एक्सोजीनस में दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि आपका वायरस से अगर इन्फेक्शन हो रहा है उससे आरएनए आ रहा है, या तो दूसरा होता है कि आपका ट्रांसपोजोन, ठीक है, अगर आपके सेल के बाहर से हम अंदर ट्रांसपोजोन आ रहे हैं तो दैट फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सेल के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, उसके और भी रोल्स होते हैं कि मतलब कि सेल मशीनरी और उस सब में इन्वॉल्व होता है। तो क्या करता है, एक हमारा होता है एंडोन्यूक्लियस डाइसर, डाइसर होता है हमारा एंडोन्यूक्लियस। ये डाइसर होता है आपका टाइप 3 एंडोन्यूक्लियस। सो डाइसर क्या करेगा, आपका जो बड़ा सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसको ये ब्रेक कर देगा बीच में से। ब्रेक करने के बाद ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देगा ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसको कहते हैं हम siRNA डुप्लेक्स, ठीक है। या तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए डायरेक्टली हमारा डाइसर से ब्रेक थ्रू ब्रेक होके siRNA डुप्लेक्स बनवा सकता है, नहीं तो हमारा हेयर पिन होता है आरएनए, जो कि हमारा shRNA है। अब shRNA हमारे न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, मतलब कि न्यूक्लियस में आपका shRNA सिंथेसाइज हुआ, वहां से वो एक्सपोर्ट करके आपका बाहर साइटोप्लाज्म में आ गया। तो जो भी आपकी साइलेंसिंग, ये जो मशीनरी होती है ना, ये आपकी साइटोप्लाज्म में फंक्शन करती है। बस हमारा जो shRNA है वो हमारा न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होकर बाहर आएगा। बाकी जो आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो तो आपका साइटोसोल में प्रेजेंट है। तो जो आपका siRNA डुप्लेक्स बना, अब इसको क्या करेंगे, इसको हमें ब्रेक करना है। जो डुप्लेक्स है इसको ब्रेक करना है, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड चाहिए हमें। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ रिस्क कॉम्प्लेक्स, रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा होता है आर्गोनॉट प्रोटीन होता है, ARGONAUTE। सो आर्गोनॉट प्रोटीन्स में आपका एंडोन्यूक्लियस फंक्शन शो करता है, जो आपका ये डुप्लेक्स आरएनए है इसको ब्रेक करेगा। अब इसमें जो ब्रेक करेगा, आपके पास सिर्फ एक स्ट्रैंड बचेगा। जो एक स्ट्रैंड होता है वो होता है आपका एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड। अब वो एंटीसेंस आरएनए जो आपका है, जो आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स है, वो आपको आपका एमआरएनए से जाके लोड होता है। तो एमआरएनए पे जाके लोड होगा तो ये आपका siRNA एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जो आपका siRNA एमआरएनए कॉम्प्लेक्स है, तो आपका siRNA फंक्शन क्या करेगा, आपके एमआरएनए का जो जीन का ट्रांसलेशन है उसको रोक देगा, तो आपका साइलेंसिंग कर देगा। ये साइलेंसिंग, इसको हम कहते हैं आपका आरएनए इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग, ठीक है। तो और ये क्या होता है, जो हमारा पूरा साइलेंसिंग मशीनरी है इसमें क्या होता है, एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो एटीपी आपका एक तो इस स्टेप में इन्वॉल्व होता है, जो आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाइसर से ब्रेक करके हमें siRNA को डुप्लेक्स बनाना है, और सेकेंड स्टेज होता है यहाँ पे जो हमारा रिस्क कॉम्प्लेक्स को हमें एमआरएनए पे जो लोड करना है, दिस ऑल्सो रिक्वायर्स एटीपी। सो ये आपका siRNA सीक साइलेंसिंग है। मेजरली जो फंक्शन होता है siRNA miRNA, वो एक तरीके से सेम ही फंक्शन, मतलब एक ही तरीके से वो रेगुलेट करता है, बाय ब्लॉकिंग द साइट फॉर द जीन
ट्रांसलेशन। सो आपका एमआरएनए की वाली साइड पे जाके बाइंड कर जाएगा, ताकि आपका आगे चल के एमआरएनए वो आपका फॉर वो ट्रांसलेट ना हो, पॉलीमरेज आपका रन नहीं करेगा उसके आगे थ्रू। तो ये आपका siRNA साइलेंसिंग हुई। अब सेकेंड टाइप होती है, वो होती है आपकी माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए और ये siRNA दोनों आपके छोटे स्ट्रैंड के आरएनए होते हैं। अराउंड siRNA आपका 19 to 28 बेस पेयर होगा, माइक्रो आरएनए आपका 21 to 23 ऐसे बेस पेयर्स होते हैं। तो माइक्रो आरएनए क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारा प्री एमआरएनए है, न्यूक्लियस में हमारा प्री एमआरएनए बना, तो न्यूक्लियस में हमारा प्री एमआरएनए बना। अब न्यूक्लियस से प्री एमआरएनए जब बनेगा, उस पे हमारे 5' कैपिंग हो गई, 3' टेलिंग हो गई। फिर उसके बाद आपका जो न्यूक्लियस में प्री एमआरएनए है, ये आपका प्री एमआरएनए इसको कह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक्सॉन्स नहीं है, पूरी प्रोसेसिंग नहीं हुई है इसकी, सिर्फ एक्सॉन्स प्लस इंट्रॉन्स है आपके इस एमआरएनए में, तो इसको प्री एमआरएनए कह रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो आपका ये प्राई एमआरएनए बनता है, इसमें क्या होता है, अगर आपका बहुत लंबा प्री एमआरएनए है, इसमें सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है, तो आपका ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बना देगा यहाँ पे। अब ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं प्राई माइक्रो आरएनए, ठीक है, PRIMIRNA, ये आपका न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये एक और होता है एंजाइम ड्रोशा, ठीक है, ये नाम याद कर लेना, ड्रोशा एंडोन्यूक्लियस है ये। ये आपका क्या करेगा, ये जो आपका हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर है ना, इसको फ्लैंकिंग जो रीजन है यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपके कट करेगा। अब ये कट करेगा तो आपको क्या करेगा, ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर है इसको आपको रिमूव कर देगा। तो आपका ड्रोशा मेनली क्या करता है, ये जो आपका जो 5' कैप और 3' टेल, ये जो एक्स्ट्रा जो आपके सीक्वेंस है, इनको रिमूव कर देगा। तो आपका प्री माइक्रो आरएनए बन गया, इसको कहते हैं प्री माइक्रो आरएनए। तो ये न्यूक्लियस में है। अब ये जो हमारा प्री माइक्रो आरएनए बना जो न्यूक्लियस में है, इसको हमें साइटोप्लाज्म में ले जाना है, क्योंकि जो रेगुलेटरी फंक्शन होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसको साइटोप्लाज्म में भेजने के लिए दो दो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन्स। एक आपका होता है एक्सपोर्टिन, एक्सपोर्टिन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1 होता है एक्सपोर्टिन, 4 होता है, कई सारे होते हैं। फिर आपका एक होता है रैन GTPase, सो रैन प्रोटीन होता है, उस पर GTPase एक्ट करता है, सो दैट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ प्री माइक्रो आरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब जो आपका ये प्री माइक्रो आरएनए बना, अब इसको क्या है, ये यहाँ से कट करना है, जो एक्स्ट्रा जो आपको हेयर पिन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको ये कट करेगा। यहाँ पे होता है हमारा डाइसर, डाइसर प्रोटीन, पिछले वालों ने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो आपको, इसका नाम तो याद रखना है, डाइसर प्रोटीन एंडोन्यूक्लियस है आपका, तो ये यहाँ से कट करेगा। अब इसके साथ ये आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाता है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको बताया था मैंने लास्ट स्लाइड में भी। तो अब ये बनाएगा, मतलब ये डाइसर प्रोटीन आपका ब्रेक करेगा यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक करा, तो आपके पास एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर आ गया। इसको आप कहोगे माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए स्टार कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दोनों जो हमारे हैं वो माइक्रो आरएनए के ही पार्ट हैं। अब इसमें आके आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स बाइंड होगा, जिसमें आपका आर्गोनॉट प्रोटीन्स होते हैं, विच विल बाइंड टू इट, वेयर द आर्गोनॉट प्रोटीन लीव्स द वन स्ट्रैंड आउट एंड दिस फॉर्म्स द मैच्योर माइक्रो आरएनए। ये आपका आरएनए इंटरफेरेंस का आपका जो टॉपिक है ये है, और आपका एक प्लांट में भी इसका फंक्शन आता है टीआई प्लाज्मिड के थ्रू में, जब आप करोगे तो वो आपका किसी और टॉपिक में कवर करेंगे, जब आपको प्लांट वाला समझाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है ये बताओ पहले, क्योंकि अभी ये नया टॉपिक है, बताओ डाउट। सर सर, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर? जैसे siRNA में तो साइलेंसिंग हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि आरएनए इंटरफेरेंस हो रहा है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है वहां पे सर। लेकिन miRNA के केस में तो मतलब साइलेंसिंग जैसा कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ प्री miRNA मैच्योर miRNA में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ, तो अभी सर यहाँ आपका पे जो साइलेंसिंग। देखो फर्क एक क्या होता है, पहले तो आपका ओरिजिन पे फर्क है कि साइलेंसिंग आरएनए जो आपका मेजरली वो होता है एक्सोजीनस ओरिजिन होता है, कि आपका बाहर से अगर वायरस आएगा तो उसमें आपका फंक्शन करेगा। जो आपका miRNA है वो आपका एंडोजीनस ओरिजिन है। जो siRNA होता है आपका वो परफेक्ट मैच होता है आपके mRNA, मतलब कि इसमें जो स्पेसिफिसिटी होती है वो आपकी परफेक्ट, मतलब कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी, अगर आप जो mRNA से बाइंड करवाना चाह रहे हो इसमें, मतलब कि अगर वायरस के थ्रू आ रहा है तो इसकी
अप्रॉक्सीमेटली 80% सिमिलैरिटी होती है टू द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन. और जो आपका माइक्रो आरएनए होता है इसमें थोड़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटी कम होती है. तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे मैच्योर माइक्रो आरएनए से बना के दिखाया. अभी मैच्योर माइक्रो आरएनए क्या करेगा, ये आपके एमआरएनए जिस जीन के लिए टारगेट करेगा वहां पे जाके एमआरएनए से आपका बाइंड कर जाएगा. ठीक है, अब आपका यहाँ पे आके बाइंड कर गया तो जब आपका पॉलीमरेज रन होगा तो यहाँ पे आके वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आ गया, पॉलीमरेज आपका रन नहीं कर पाएगा आगे, तो वहां पे आपका ट्रांसलेशन रुक जाएगा. फिर बाद में आपका जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो आपका एमआरएनए को डिग्रेड कर देंगे. ओके दोनों सर. दोनों रेगुलेटरी मैकेनिज्म है. और आंसर, एमआरएनए का जो ये वाला मैकेनिज्म है ये कब पिक्चर में आता है? जैसे वो तो वायरस इन्फेक्टेड या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स में एसआईआरएनए वाला होगा, और एमआईआरएनए कब होता है जब? देखो एमआईआरएनए क्या होता है, आपके सेल में पहले से प्रेजेंट होता है. कभी कभार जो कैंसर के, जब आप आगे जाके पढ़ोगे कैंसर होता है उसमें क्या होता है कि कई जो रेगुलेटरी फंक्शन होता है आपकी एमआईआरएनए, किसी में अगर कैंसर है तो कभी आपका जो एमआईआरएनए वो ओवर एक्सप्रेस होगा या अंडर एक्सप्रेस होगा. तो आपका एमआईआरएनए सिस्टम में प्रेजेंट है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है आपका अगर आप यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करें. ओके ओके तो ये आरएनए इंटरफेरेंस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक तरीके से हम जो पढ़ना चाह रहे हैं कि आरएनए के ट्रांसलेशन में जो इंटरफेयर कर रहा है एमआरएनए की आपकी ट्रांसलेशन में. इसमें और भी होते हैं आपके तो, लेकिन उसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से. तो आरएनए इंटरफेरेंस में इससे ज़्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, जो आप बोल रहे थे एसएचओ आरएनए वो सारा वो नहीं पूछते क्वेश्चन. ओके 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 और किसी को कुछ चीज़ समझ में ना आई हो स्लाइड पीछे करके बताऊं. पूछो यार, और इतना अच्छा समझा देगा, मैंने सब समझ में आ गया. हेलो, समझ में आ गया सब कुछ. चलो फिर क्वेश्चन पूछता हूँ. यस अच्छा मान लो कि हमने एस आई आर एन ए, तो आपका वायरस से अगर आया ठीक है, तब तो उसमें आपकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी कम क्यों है एज कम्पेयर टू जब आप बाहर से अगर सिंथेसाइज करके उसमें करते हो एस आई आर एन ए. अगर आपने लैब में सिंथेसाइज करा एस आई आर एन ए तो उसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वायरस. वायरस में क्यों कम होती है ऐसी, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है रीजन, गैस मारो कोई दिक्कत नहीं. मे बी वायरस के जीनोम साइज की वजह से. जीनोम साइज कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली होता क्या है जो आपकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है वो जरूरी नहीं है आपकी 100% होनी चाहिए. अब आपका वायरस जैसे आरएनए अगर आया, अब आपका डबल स्ट्रैंडेड बहुत बड़ा है ठीक है, अब उसको ब्रेक करके आपको फ्रेगमेंट्स बनेंगे. जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फ्रेगमेंट जाके उस रीजन से बाइंड करेगा, मल्टीपल कॉम्प्लीमेंटाइट होती. मान लो कि अगर 10 न्यूक्लियोटाइड का आपका सीक्वेंस है, अगर 10 में से अगर 6 भी कॉम्प्लीमेंटाइटी शो करेंगे तो वो जाके बाइंड करेगा वहाँ पे. तो इस वजह से होता है क्योंकि जब हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं प्रॉपर, एक वो पर्टिकुलर एरिया के लिए हम प्रॉपर सिंथेसाइज करते हैं कि एग्जैक्ट सीक्वेंस हमने सिंथेसाइज कर दिया. ठीक है, समझ में आया क्यों. यस चलो थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं. लास्ट टाइम जो पेपर्स में आए हुए हैं तो जैसे ये क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ साइलेंसिंग इन्वॉल्व्ड इन माइक्रो आरएनए इज, सोचो क्या होगा. मतलब समझ में आ रहे हैं इन टर्म्स का, रेप्लिकेशनल, ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. बाकी कहाँ बच्चे, अरे बाकी बताओ यार थोड़ा सोचो. रेप्लिकेशन मतलब कि किस टाइम पे आपका ये रेगुलेट कर रहा है उस हिसाब से सोचो, साइलेंस किस टाइम पे कर रहा है आपका. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल.
और बाकी लोग, अनुज, प्रशांत, दिव्या, मोनिका, बताओ यार। ये तो अभी पढ़ाई है, चीज़ें तो पहले पढ़ के भी नहीं आनी थी। बताओ क्या होगा। मेघना, गए क्या रख के सबका फोन? मीटिंग ज्वाइन करके बाहर चले गए क्या? प्रशांत, मैं 68 का पूछ रहा हूँ। मैं 68 वाला क्वेश्चन जो है, माइक ऑन करके बोल लो यार, कोई दिक्कत नहीं। यार इंटरेक्टिव रखो सेशन, एक दो बच्चे बोलेंगे तो उससे इंटरेक्टिव नहीं होगा यार। यार जेनेटिक्स का ऐसा टॉपिक है, अगर खुद को ही पढ़ाते रहोगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तुम लोग भी बात करो यार। सी ऑप्शन। बाकी चलो पता नहीं कहाँ गए। सी ऑप्शन होगा इसका, 68 का। और 99 का बताना क्या होगा। जीन साइलेंसिंग थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। ये मैंने बताया नहीं, बताना चाहिए था, बता दूंगा आपको। ये जो है इसमें आपका जीन साइलेंसिंग सबसे पहले डिस्कवर हुई थी सी एलिगेंस, सी नोटोडाइटिस एलिगेंस। तो आपका जो सी एलिगेंस है वो निमेटोड है, तो निमेटोड आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। एनिमल्स, निमेटोड आपके एनिमल्स में आ जाता है। चलो ये आपका आरएनए इंटरफेरेंस हो रहा था, एक बारी पढ़ लेना, इसमें कोई डाउट डाउट आता अगर आपको और तो वो डिस्कस कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट आपका है मेंडल्स लॉ, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस तो सबने पढ़ा होगा। चलो मेरे को ये बता दो, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? हेलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस बता दो, एग्जैक्ट वर्ड नहीं, ऊपर ऊपर से बता दो क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में। और इन दिस लाइक इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है कि दो डिफरेंट तरह के जैसे अलील्स प्रेजेंट है, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम एक ही अलील एक्सप्रेस होता है। पार्शली करेक्ट है, मतलब इसमें यह है कि जो कैरेक्टर को आपके दो एलील्स रेगुलेट करते हैं, तो अगर हेटरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कंडीशन में प्रेजेंट हाँ, होगा, तो तो हेटरोजाइगस उसमें डोमिनेंट एक वाला एलील होता है। आपका एक्सप्रेस होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। तो दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, In this, at the time of gamete formation, both the alleles segregate. हाँ ठीक है। ओनली वन ऑफ द एलील इज ट्रांसफर टू द गैमेट, मतलब ये है लॉ ऑफ हाँ, सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरह ही होता है ना, मतलब नहीं वही लॉ, तो होता है। नहीं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आपका असॉर्टमेंट, जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं ना तब हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। कि मान लो कि अगर पी प्लांट की बात कर रहे हैं, उसमें हमने टॉल टॉप वो ट्रेट लिया है हमने प्लांट की हाइट का, तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो आपका हुआ कि उसकी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। गैमेट में या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा। लेकिन जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, मतलब कि मान लो हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक जो आपके कैरेक्टर के जो एलील्स हैं
दैट इज नॉट गवर्नड बाय द सेग्रीगेशन ऑफ द अदर कैरेक्टर्स एलील्स, मतलब कि एक कैरेक्टर के जो एलील है दैट विल असॉर्ट, मतलब कि जो आपके सेग्रीगेट होंगे दैट वुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द अदर टू एलील्स ऑफ द अदर कैरेक्टर. मतलब कि आपका कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल भी है, तो अगर हम ए जीन की बात करें तो दैट विल सेपरेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द बी जीन. जब हम टॉक एलिमेंट्स ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें दैट वी टॉक अबाउट वन एलील, मतलब कि वन कैरेक्टर के रेफरेंस में बात करते हैं. जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. और अब रीज़न था कि मेंडल ने पी प्लांट को यूज़ करा. अब पी प्लांट यूज़ करने के पीछे इसके कई रीज़न था कि मतलब कि प्लांट की जो हमारे वो है कि एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, एक तो जैसे कि प्लांट की हाइट टॉल है स्मॉल है, फ्लावर कलर है हमारा, फिर हमारे पास पॉड शेप पॉड कलर हो गया, सीड शेप सीड का साइज वो हो गया, सीड का शेप और सीड का कलर, तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे. और पी प्लांट की जो होती है हमारी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है दैट इज ऑल्सो स्मॉल, तो इट वॉज ईजी टू कल्टिवेट पी प्लांट सो दैट ही कुड गेट द मोर रिजल्ट इन लेस पीरियड ऑफ टाइम. फिर इसमें जो हमारे पी प्लांट होते हैं इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है. फिर एक होता है कि जो पी प्लांट होता है वो हम उसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट हमको क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं चाहिए, दैट कैन ऑल्सो ग्रो इन द एडवर्स क्लाइमेटिक एडवर्स कंडीशंस. और इसके सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे. और इसके जो ब्रीडिंग था इसलिए मेंडल ने इसको चार पी प्लांट्स यूज करे थे कि मतलब फॉर वन कैरेक्टर टू पी प्लांट्स फॉर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड सो दैट देयर वाज सेवन कैरेक्टर्स सो 14 पी प्लांट्स वर चोजन, जिसको आगे लेके उसने एक्सपेरिमेंट्स करे. अब रीजंस फॉर सक्सेस, सक्सेस का रीजन क्या था मेंडल ने जो करा उसका इतना हो कैसे गया? तो एक था कि एक तो इसने जो रिकॉर्ड था एक्सपेरिमेंट का वो सारा डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा था इसने. क्योंकि जो हमारा मेंडल था वो हमारा कोर बायोलॉजिस्ट नहीं था, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, सो उसने मैथमेटिक्स के हमारी प्रोबेबिलिटी और वो सब लगा के इसने करा था. और जो इसने सैम्पलिंग साइज करा था वो काफ़ी लार्ज स्केल पे करा था कि अगर कम स्केल पे करता तो हमारे जो डेटा में मैनिपुलेशन है वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं. एंड पी प्लांट यूज़ करा था वो, उसका एक किस्मत की बात थी कि उसने पी प्लांट यूज़ करा जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं. अब रीजंस फॉर फेलियर की बात करें, अब मेंडल ने फेलियर क्यों करा? क्योंकि एक तो इसका जो जर्नल में पब्लिश हुआ था पहले काम, वो एक लोकल छोटे से जर्नल में काम पब्लिश हुआ था, और उस टाइम तक किसी ने जेनेटिक्स को ऐसे देखा नहीं था कि जीन्स और एलील्स के टर्म्स में बात करी हो. तो एक ये था तो कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, और लोगों ने जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये मैथमेटिक्स क्यों लगाई गई है हमारी बायोलॉजी में, इसको एक्सेप्ट नहीं करा. तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल को उतना सक्सेस नहीं मिला, कि मतलब कितनी रिकॉग्निशन नहीं मिली. ही और गॉट द रिकॉग्निशन आफ्टर हिज डेथ, सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन. सो इसको करा था ह्यूगो डिवरीज था, एक कार्ल कॉरेंस था और एक शमाक था. तो तीन नाम है ये, इतने ज़्यादा पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन मैंने बता दिया. फिर आपको मेंडल्स लॉ की जब बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस पता होना चाहिए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्रॉस क्या होता है? जब हम एक कैरेक्टर की ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो दैट डिपेंड ऑन द मोनोहाइब्रिड. डाईहाइब्रिड जिसमें दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तीन की बात करेंगे तो ट्राईहाइब्रिड हो गया. फिर हम रेशोज, मतलब कि आपको फिनोटिपिक रेशोज पता होने चाहिए इसकी, जीनोटिपिक रेशोज. फिर टर्म्स आती हैं आपकी टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस. जो आपका टेस्ट क्रॉस होता है वो आपका जो प्रोजिनी है उसको हम क्रॉस करवाते हैं टू द रिसेसिव रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. एंड टू द एंड द बैक क्रॉस इज व्हेन वी क्रॉस इट विद वन ऑफ द पेरेंट्स, सो दैट कुड बी इधर अ डोमिनेंट और हेटरोजाइगस और रिसेसिव पेरेंट. सो ये पता होना चाहिए आपको. अब इसमें मेंडल्स लॉ में जैसे एक क्वेश्चन दिया था, ये चलो सॉल्व कर दो, ये तो इजी है. रेशियोज तो आप लोगों को याद होंगे, ये तो मेरे हिसाब से बहुत इजी. ट्राई करके देखो क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर.
बताओ आंसर क्या होगा। ए बाकी लोग भी बताओ, दो लोग ही बताएंगे तो फिर कैसे चलेगा। और लोग बाकी बताओ ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। हाँ इसका सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि आपकी जो ये बात हो रही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, F2 जनरेशन की रेशियो की, 2 हेटरोजाइगस, जो आपका F1 होता है उसमें आपका कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, तो उसको जब सेल्फिंग करते हैं तो आपकी जो रेशियो आती है फिनोटिपिक, दैट इज 3:1, और जो आपकी जीनोटिपिक रेशियो होती होती है 1:2:1। और मीडियम, ये थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। ये तो अगर जो बता रहे हैं, या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हो सकता है, या तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, तो थर्ड ऑप्शन तो आपका वैसे ही ओमिट हो गया। अब आपको सिंप्लीफाइड रेशो देखनी पड़ेगी, 63:59, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1:1 रेशो, सो ये तो नहीं होती। 76:23, दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 3:1, तो ये ऑप्शन ऑप्शन होगा आपका। फोर्थ ऑप्शन जो है 53 टॉल है, 147 शॉर्ट है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1:3, तो ये उल्टा दिया हुआ इन्होंने। अगर ये 147 टॉल होते और 53 शॉर्ट होते तो ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो अब अगला आपका टॉपिक आ जाता है। अच्छा एक और चीज आपको मेंडल इनहेरिटेंस बता दूं, एक होता है लॉ ऑफ पेयर फैक्टर्स, जो कम दिया होगा बुक में आपको, तो इसमें लॉ ऑफ पेयर फैक्टर्स में होता है अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स और एलील्स। मतलब कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तब उसमें जो एक कैरेक्टर है वो दो फैक्टर्स, मतलब कि मेंडल ने फैक्टर्स बोला था, तो दो फैक्टर्स या फिर एलील्स उससे गवर्न होता है, नॉट ओनली जस्ट वन कैरेक्टर, वन एलील, सॉरी। सो ये आपका एक है। फिर आपका इसके बाद आ जाता है एक जो इसमें मेंडल के कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जो मेंडल के लॉज हैं उसमें एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो आपका है ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और एक कैरेक्टर रिसेसिव होगा, और जो हमारा जो वो है हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो हमारा सिर्फ एक कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये करा था कार्ल कॉरिन्स ने, मैं आपको लिख देता हूँ, कार्ल ये करा था आपका कार्ल कॉरिन्स ने, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या करा था कि प्लांट लिया था मिराबिलिस जलापा, जिसको हम स्नैपड्रैगन कहते हैं, स्नैपड्रैगन का फ्लावर लिया इन्होंने, पेरेंट्स लिए, एक था जिसमें जीनोटिप जीनोटाइप था आर कैपिटल आर कैपिटल आर, दूसरा पेरेंट लिया इन्होंने डब्ल्यू और डब्ल्यू, जो वाइट कलर फ्लावर था। इसमें आपका जो पेरेंट, एक रेड कलर फ्लावर है एक वाइट कलर्ड है, जब इन्होंने इसकी मेटिंग करवाई तो जो गैमेट्स जो आपके फॉर्म हुए कैपिटल आर फॉर्म हुए और कैपिटल डब्ल्यू फॉर्म हुए, तो एफ की F1 जनरेशन में आर डब्ल्यू आया। अगर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो इसमें क्या होना चाहिए था कि सिर्फ एक कैरेक्टर आपका शो होना चाहिए था, या तो रेड होना चाहिए था या तो वाइट होना चाहिए था, क्योंकि तो सिर्फ एक कैरेक्टर डोमिनेंट हो सकता है। लेकिन इसमें जो फिनोटाइप इन्होंने ऑब्जर्व करा, दैट वॉज ऑल द फ्लावर्स वर पिंक। अब ऑल द फ्लावर्स आर पिंक मतलब कि अब इसमें दो केस हो सकते हैं, अगर F1 तक इन्होंने देखा होता, या तो ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का भी केस हो सकता है, और लॉ ऑफ ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसने डिस्कवर करा वो भी हो सकता है। अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता तो क्या होता, जब हम F1 की सेल्फिंग कर रहे हैं तो हमको वापस हमारे पेरेंट्स नहीं मिलते, रेड कलर फ्लावर और वाइट कलर फ्लावर नहीं मिलते, तो क्या F2 जनरेशन में सारे पिंक कलर फ्लावर होने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने क्रॉसिंग करी आर डब्ल्यू की, तो इसमें आपका आया रेशो आई 1:2:1, तो 1:2:1 आपका 1 रेड 2 पिंक और 1 वाइट, सो दिस वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसमें रीजन क्या होता है कि मान लो कि आपका जो कैपिटल आर है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है,
कैपिटल डब्ल्यू है एक दूसरा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर मान लो कि आपका जो डोमिनेंट और रिसेसिव केस में होता है, डोमिनेंट जो आपका पेरेंट है वो आपका एक फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए जो आपका जीन है, ताकि वो अगर मॉडिफाइड प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जो कि ना फंक्शनल नहीं है, या फिर कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सो उस केस में वो रिसेसिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो किसी आपका जो सब्सट्रेट है उस पर आपका एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा, तो आपका वो स्पेसिफिक वो फिनोटाइप नहीं देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका आर है और जो डब्ल्यू है, दोनों आपके फंक्शनल एंजाइम बनाएंगे। तो जो आपका जो सब्सट्रेट है, मान लो कि अगर सब्सट्रेट एक ए है, आपका आर जीन उस पर एक्ट करके एक बी एंजाइम बनाता है जो आपको आपका रेड कलर का फ्लावर देता है। अब जो आपका डब्ल्यू वाला जीन है, मान लो वो आपका एक सी एंजाइम बनाता जो आपका फ्लावर का कलर देता है वाइट। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों होती है ये पता समझ में आया? हेलो, यस सबको आया समझ में? सर, यस ठीक है, तो ये तो रहे आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। इन अ क्रॉस बिटवीन टू ब्लैक लैब्राडोर रिट्रीवर्स द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज 9 ब्लैक पपीज टू 3 चॉक। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन बाद में करूँगा, ये वाला इससे रिलेटेड नहीं है आपको। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट फिनोमिना और जो आपको टर्म्स याद रखने होंगे वो है कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और प्लियोट्रॉपी। तो जब हम को डोमिनेंस की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये फिनोमिना में एक से ज़्यादा एलील आपके डोमिनेंट हैं जो कि इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो करेंगे। अब बोलोगे कि इसमें अगर एक से ज़्यादा एलील डोमिनेंट है तो हाउ इज़ इट डिफरेंट देन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो आपका जो फिनोटाइप आता है दैट इज डिपेंडेंट, दैट इज मिक्सड। सो फिनोटाइप से आप नहीं बता पाओगे कि वो रेड है वाइट है, तो इनका जो फिनोटाइप है मिक्सड फिनोटाइप होता है। बट जब हम कोडोमिनेंस की केस में बात करते हैं, इसमें आपको जो फिनोटाइप होता है दैट इज सेपरेट फॉर द फर्स्ट एलील एज वेल एज द सेकेंड एलील। जो हम फर्स्ट और सेकेंड के एलील की बात कर रहा हूँ, वो आपके कोडोमिनेंट एलील्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो ये आपका सिकल सेल एनीमिया में होता है, जिसमें आपका जो एच बी प्रोटीन होता है उसमें आपका म्यूटेशन होती है, सो दैट लीड्स टू सिकल सेल एनीमिया। तो जो आपको अगर आपका हेल्दी हेल्दी है जिसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है, दैट इज नॉर्मल एच बी फिनोटाइप जीनोटाइप है उसका। जो आपका जो अफेक्टेड पेशेंट है उसमें आपका एच बी एस मतलब कि HB सिकल सेल एनीमिया, तो आपका जीनोटाइप ये रहेगा। और अगर आपका हेटरोजाइगस है दैट इज HBHBS, सो दैट विल नॉट बी इधर HB और HBS, दैट इज हेटरोजाइगस कंडीशन। दोनों का उसमें एक्सप्रेशन शो होगा, नॉर्मल एज वेल एज अफेक्टेड म्यूटेटेड HB प्रोटीन का, सो दैट एक्ट्स एज अ कैरियर। सो आपका एक और होता है ABO ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें आपका ABO ब्लड ग्रुप पड़ता होगा, इसमें आई प्रोटीन होता है, जीन आई होता है, जो कि आपका 9th क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। इसमें आपका जो आई ए एलील है होता है, एक आई बी एलील होता है, एक आई ओ एलील होता है। तो आपका आई ओ एलील है वो तो रिसेसिव है आपका, जो आपका आई ए एलील है वो क्या करता है, जो एक एच एंटीजन होता है, ठीक है, एच एंटीजन पे अगर जो आपका आई ए एलील होता है वो ऐड करता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन शुगर। तो मतलब कि आपका जो आई ए एलील है एच एंटीजन पे गैलेक्टोज से अटैच होता है, तो वहाँ पे गैलेक्टोज की साइड पे अगर आपका एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ऐड कर रहा है, दैट इज ए एंटीजन, आई ए दैट इज ए एंटीजन जिसको हम रेफर करते हैं, एंटीजन के रेफरेंस से बात करें। और जो आपका आई बी एलील होता है वो आपका एच एंटीजन पे ऐड करता है गैलेक्टोज, मतलब कि गैलेक्टोज पे आपके एक और गैलेक्टोज को बाइंड कर देगा। सो और इसकी रेशियो इसका आपको पता होगा, आई जिसमें ए एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी होगी, जिसमें बी एंटीजन है उसमें ए एंटीबॉडी होगी। तो ये है। और
आपका एक और होता है टर्म जिसको कहते हैं मल्टीपल मल्टीपल एलिलिज्म। सो आपका मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, इफ अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू एलील्स, मतलब कि मान लो कि सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं है, मान लो ए है, बी है, सी है, ये सारे आपका एक ही एलील को, एक ही कैरेक्टर को आपको इफेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सो दैट इज रेफर्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म, जिसमें दो से ज्यादा एलील आपके एक कैरेक्टर को गवर्न करेंगे। सो इसका एक एग्जाम्पल होता है रैबिट कोट कलर होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स वी गेट दैट अगाउटी, एल्बाइनो, चिंचिला, हिमालयन। सो ये बस आप इतना कर लो, रैबिट कलर कोट कलर होता है आपका। जो कोडोमिनेंस में जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि इसमें हमारे तीन एलील जो होते हैं दैट गवर्न्स द कैरेक्टर फॉर द ब्लड ग्रुप, जो आपका आई ए एलील है, आई बी एलील है और आई ओ एलील है। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? हाँ, ये मल्टीपल एलिलिज्म में एक चीज़ और, ह्यूमन हाइट, उसको भी हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं, कई बार आ जाता है ये सब भी ऑप्शंस में, तो ये सब ध्यान रखना। ठीक है। और फिर आता है आपका तीसरा काम है प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक ही जीन अगर आपका एक से ज्यादा कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक जीन है वो आपका एक कैरेक्टर के साथ साथ दूसरे किसी और कैरेक्टर को भी इफेक्ट कर रहा है, दैट रेफर्स टू एस प्लियोट्रॉपी। अब जैसे कि हम बात करें पी में होता है, पी में जो स्टार्च सिंथेसिस का जीन है दैट शोज प्लियोट्रोपिज्म, बिकॉज मान लो कि अगर आपका डोमिनेंट जो आपका जीन है वो आपके दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, स्टार्च सिंथेसिस आपकी जो आपका स्टार्च ग्रेन होगा वो राउंड होगा एंड इट द साइज इज लार्ज, ठीक है। अगर वो आपका रिसेसिव कंडीशन में है तो आपका स्टार्च ग्रेन का क्या साइज होगा, वो शेप होगी आपकी रिंकल्ड होगा एंड द साइज इज ऑल्सो स्मॉल। बट जो आपका हेटरोजाइगस कंडीशन आ जाता है, जिसमें मान लो कि अगर हम एलील बात कर रहे हैं, ए एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया, तो उसमें क्या करेगा आपका जो हेटरोजाइगस कंडीशन में आपका ग्रेन साइज, तो अगर आपका शेप तो राउंड रहेगा लेकिन जो उसका साइज होगा दैट वुड बी इंटरमीडिएट बिटवीन द होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अब इसमें कहें तो क्या पता चलेगा, क्योंकि अगर करना तो एक ही चाहिए, या तो अगर साइज की बात कर रहे हैं तो साइज या तो छोटा बने या तो बड़ा बने, ये इंटरमीडिएट क्यों बन रहा है, क्योंकि डोमिनेंस जो होता है ना आपका दैट इज नॉट अ फीचर ऑफ अ जीन या तो प्रोडक्ट जिसका इंफॉर्मेशन वो लेके चल रहा है, बट इट डिपेंड्स ऑन द जीन प्रोडक्ट, जो आपका जीन है जो प्रोडक्ट बनाएगा वो जीन उस पर आपका फिनोटाइप डिपेंड करता है। सो ये चीज याद रखना कि जो आपका जो जीन है डोमिनेंस दैट इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन और द प्रोडक्ट इट हैज गॉट इंफॉर्मेशन फॉर, बट डिपेंड्स ऑन द जीन प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म फ्रॉम दैट जीन। समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है, इसके बाद दो तीन और टॉपिक आते हैं वो देख ले। एक टॉपिक और आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन उससे डायरेक्टली आपसे ऐसा कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसके दो तीन पोस्टुलेट हैं वो याद कर लेना आप लोग, दैट वुड बी मोर देन इनफ। फिर आपका आते हैं पोस्ट मेंडेलियन डेविएशन, ठीक है, मतलब मेंडल ने क्या कहा था कि एक जीन सेपरेट इफेक्ट करेगा, मतलब कि दो पेयर अगर प्रेजेंट हैं तो एक ही दोनों का सेपरेट कैरेक्टर होगा अगर आपके एक जीनोटाइप में प्रेजेंट है, लेकिन उसका इसमें एनोमली है। पहला है आपका एपिस्टेसिस। अच्छा, मेरे को बताएगा एपिस्टेसिस क्या होती है? पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे थोड़ा बहुत, किसी ने पढ़ा हो तो। जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर लेता है तो उस फिनोमेना को एपिस्टेसिस बोलते अच्छा हाँ, तो अब आपके एपिस्टेसिस भी ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डोमिनेंट, एक होता है आपका रिसेसिव। तो जो आपका हैं। डोमिनेंट होगा, इसमें क्या होगा, अगर एक जीन आपका डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है सो दैट वुड रिप्रेस द
अदर जीन वेयर द वाई जीन इज मतलब कि सेकेंड जीन इज ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसकी रेशियोज आप याद कर लेना। रिसेसिव में क्या होता है कि अगर आपका एक जीन अगर दोनों रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, सो दैट वुड मास्क द फंक्शन ऑफ द अदर एलील, बी इट इधर इन द डोमिनेंट स्टेट और द रिसेसिव स्टेट। सो जो जीन आपका सप्रेस करता है दैट इज कॉल्ड द एपिस्टेटिक जीन, जो जीन आपका सप्रेस होता है दैट इज कॉल्ड द हाइपोस्टेटिक जीन। ये दो टर्म याद रख लेना। और बाकी तो इनकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है, ये होता है आपके कुकरबिटा पेपो, फ्रूट कलर, उसके फ्रूट के कलर में दिस इज द डिपेंड्स ऑन दैट। सो रेशियो इज 12:3:1। तो एक कंडीशन जब एक डोमिनेंट होता है और दूसरा हमारा रिसेसिव होता है, तो दैट इट मास्क दैट फंक्शन ऑफ, जो बोथ डोमिनेंट कंडीशन होता है उसी का सेम फिनोटाइप देगा। जो रिसेसिव कंडीशन है तो मतलब एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, तो आपको जो एपिस्टेटिक जीन जिसमें रिसेसिव होगा और आपका जो हाइपोस्टेटिक जीन है दैट इज डोमिनेंट, सो उसका मास्क कर देगा एक्सप्रेशन, सो दैट ऑल्सो कम्स इन टू द रिसेसिव। सो 9:3:4 हो जाती है रेशियो आपकी। फिर आपका होता है डुप्लीकेट जीन इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जीन जो आपके हैं इंडिविजुअली सेम ही फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बट जो हमारे जो जीन है वो डिफरेंट लोसाई पे प्रेजेंट है, ऑन द डिफरेंट लोसाई मतलब कि डिफरेंट लोकेशन ऑन द क्रोमोजोम। तो अगर आपके दोनों जीन, मान लो कि दोनों जीन अगर डोमिनेंट हैं दैट वुड ऑल्सो प्रेजेंट द सेम फिनोटाइप, अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेस, पहला डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है तो भी वही फिनोटाइप होगा, दूसरा डोमिनेंट है पहला रिसेसिव है तो भी वही फिनोटाइप होगा, और जब दोनों रिसेसिव होंगे दैट विल बी अ डिफरेंट फिनोटाइप। तो दिस इज अ डुप्लीकेट जीन इफेक्ट। तो ये आपका कैप्सुला फ्रूट होता है उसके शेप में, अगर ये जो 15:1 आ रही है ये आपका होता है जब ट्रायंगुलर शेप आएगा जिसमें दिस इज अ डोमिनेंट फिनोटाइप, और जो 1 है दैट इज अ ऑबलोंग ऑबलोंग ओवाइड शेप होती है। सो ये आपका डुप्लीकेट जीन इफेक्ट हो गया। फिर आपका होता है एडिटिव जीन इफेक्ट, जिसको आप कहते हैं डुप्लीकेट जीन विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये भी कह सकते हो, लेकिन मेनली आपसे एडिटिव जीन इफेक्ट करके बोलेंगे। इसमें क्या होता है, दीज जीन्स इन द डोमिनेंट कंडीशन प्रोड्यूस वन फिनोटाइप, बट व्हेन बोथ आर प्रेजेंट इन द डोमिन व्हेन बोथ आर डोमिनेंट देन देयर इज अ डिफरेंट फिनोटाइप एंड रिसेसिव कंडीशन में अलग रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो 9:1 है दिस इज फॉर द व्हेन बोथ द जीन्स आर डोमिनेंट, 6:1 है इसमें आपका 3:3, जब एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, तो आपकी जो रेशियो है मॉडिफाई जाती है 9:6:1 में। दिस इज इन द शेप ऑफ कुकर बेटा की जो आपके फ्रूट शेप होता है, डुप्लीकेट वाला कैप्सुला का फ्रूट शेप था, एडिटिव वाला आपका इसके फ्रूट शेप में है कुकर बेटा का। देन देर इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। सो इसमें क्या होता है, व्हेन वन जीन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव, एक फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, जब आपका सेम इज द केस व्हेन द दूसरा आएगा आपका, अगर दोनों रिसेसिव है तो भी वही फिनोटाइप होगा, लेकिन अगर दोनों आपके डोमिनेंट है तो दैट प्रोड्यूस अ डिफरेंट फिनोटाइप, सो रेशियो आपकी मॉडिफाई हो जाती है 9:7। सो इसमें आपको बताऊँ क्या, आपको अगर रेशो याद भी नहीं हो रही तो आप ये याद कर लो कि इसमें होता क्या है। तो आप अगर खुद अपना चार्ट वो यूनिट स्क्वायर बना के अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो कि क्या रेशो आएगी, फिर ये चीज़ आप देख लेना। फिर एक होता है आपका सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट होता है। सप्लीमेंट्री जीन्स में आपका होता है कि मान लो कि इसमें आपके एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं, इसकी रेशियो आपकी वही वाली होती है नॉर्मल, सो 9:3:1। ये होता है आपके पोल्ट्री जो होती है उसके कोम शेप, जो कोम जो उसके सर पे बना होता है ना मुकुट सा, उसकी शेप को डिफाइन करता है, मतलब कि 9 एक, अगर एक अलग तरीके का कोम शेप होगा, 3 एक अलग का होगा, ये अगला वाला 3 अलग होगा, 1 अलग होगा, तो इस तरीके से। फिर आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अब आपका पॉलीजेनिक क्या इनहेरिटेंस क्या होता है, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है कि किसी एक ट्रेट की बात हो रही है बट इट इज गवर्नड बाय मोर देन टू एलील्स,
मोर देन टू नहीं, मोर देन वन के में केस में कहेंगे, ठीक है? इसमें क्लासिकल एग्जांपल आपका है स्किन सर कलर, स्किन कलर। हाँ सर आई थिंक सप्लीमेंट्री जीन्स की रेशियो सर ये वाली नहीं होती सर, वो शायद रिसेसिव एपिस्टेसिस को बोलते हैं। नहीं, सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट आपका अलग होता है, एपिस्टेसिस आपका अलग होगा। एक कंफ्यूजिंग टर्म्स है ना। सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन की रेशियो तो 9:3:4 होती है। मेरे को देखना पड़ेगा ये, बिकॉज जहाँ से मैंने पढ़ा, देख के बताता हूँ आपको। हाँ सर, रिसेसिव एपिस्टेसिस की होती है ना, 9:3:4। सर मैं वही बोल रही हूँ कि रिसेसिव एपिस्टेसिस को ही सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन और डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस को कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बोलते हैं सर। मतलब मुझे ये याद है, मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ, बट आई विल ऑल्सो चेक, मतलब आई एम सॉरी। हाँ कोई नहीं, अगर लगा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरे पे नोट्स हैं, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसके समझने की कोशिश करना। अगर नहीं है तो ना मैं देख लूंगा, शायद मैं मेरे नोट्स में गलत होगा, हो सकता है ये भी, मैं वो चेक करके बता दूंगा आपको। अब जो, अब हाँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में तो इसमें क्या होता है, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल आपका स्किन कलर इन ह्यूमंस। इसमें क्या होता है, आपके 5 जीन्स होते हैं जो आपका स्किन कलर को डिटरमिन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिस डज नॉट डिपेंड कि किसी एक जीन में दोनों प्रेजेंट है या फिर एक प्रेजेंट है। इसमें क्या देखते हैं कि मान लो कि अगर 10 एलील हैं, कितने एलील डोमिनेंट है, उसके बेसिस पे आपका इफेक्ट आएगा, ठीक है? तो ये तो जैसे आपका स्किन कलर में 3 जीन होते हैं, और मैंने 4 5 कह दिए थे ना शायद, 3 जीन होते हैं। तो अगर आपका सारे डोमिनेंट है, मतलब कि 6 एलील डोमिनेंट है, एक इंडिविजुअल है, 5 एलील डोमिनेंट है, दिस इज 5 इंडिविजुअल, 15 है, 4 डोमिनेंट, 23 डोमिनेंट, 15, 2 डोमिनेंट, 6 1 डोमिनेंट एंड 1 इज ऑल रिसेसिव। सो इसकी आपको जो रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है, आपको नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन की कितना क्या फॉर्मूला होता है, वो आपको फॉर्मूला मैं बता दूंगा, वो आपको मैं नोट्स भेजूंगा, उसमें दिए हुए फॉर्मूले आप चेक कर लेना। अगर 1 जीन पेयर की बात करते हैं तो इसमें 1:2:1 की रेशो बनती है। अगर 2 जीन पेयर होते हैं, उसमें 1:4:6:4:1 की रेशो बनती, और ये 3 जीन का है। इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है, वो मेरे को एग्जैक्टली ऐसा याद नहीं, और ना ही पूछेंगे तो उसका। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है, जिसमें इनहेरिटेंस आपका न्यूक्लियस पे बेस्ड नहीं है। मतलब कि मान लो जो आपका इनहेरिटेंस है, दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोसोल, साइटोसोल या तो उसके जो साइटोसोल में आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके बेसिस में जो प्रेजेंट, उसके में जो प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम के अलावा, ठीक है? इसमें आपका मैटरनल इनहेरिटेंस, पैटर्नल इनहेरिटेंस आ जाता है। अगर मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया से जो किसी ट्रेट को कन्वर्ट करने वाला जीन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि मैटरनल, जैसे कि पढ़ा होगा ना आपने, मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया से जा रहा है कोई ट्रेट का, तो मैटरनल से ही जाएगा, पैटरनल से उसका कुछ लेना देना नहीं है। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको अगर न्यूमेरिकल होगा तो वो तो मैं बता दूंगा, आपको करके देखना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। बस आपको इसमें क्या कंसिडर करना होगा, अगर आपको मैटरनल इनहेरिटेंस बोला है तो वो सिर्फ मैटरनल से ही फर्क पड़ेगा, पैटरनल से उसका कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। फिर एक आता है आपका कॉम्प्लीमेंटेशन, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि 2 जीन हैं आपके, 2 जीन आपके एक फिनोटाइप को गवर्न कर रहे हैं। अब जैसे इस केस में देखो, इसमें क्या है, आपका ये म्यूटेंट, एक जीन म्यूटेंट है, एक जीन डोमिनेंट है, मतलब एक जीन आपका नॉर्मल है। दूसरे वाले केस में भी एक म्यूटेंट है, एक आपका नॉर्मल है। तो इसमें क्या करेगा, दोनों में आपका डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, दिस इज म्यूटेंट, म्यूटेंट जीनोटाइप है आपका। तो इसमें क्या होगा कि आपका मान लो कि सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आपका एस है,
सब्सट्रेट का एस पे अगर ए ए एक्ट करता है, ए जीन का प्रोडक्ट एक्ट करेगा, दैट विल फॉर्म एन इंटरमीडिएट आई. अब आपका इंटरमीडिएट आई में आपका जो बी जीन है, बी जीन का प्रोडक्ट एक्ट करेगा, दैट विल फॉर्म द प्रोडक्ट विच विल गिव द फिनोटाइप, अ स्पेसिफिक फिनोटाइप. सो आपका मान लो कि ये वाइट आई स्टेन है, मान लो कि आपके सब्सट्रेट का कलर वाइट है, ठीक है, सब्सट्रेट वाइट कलर देता है, इंटरमीडिएट भी वाइट देता है, तो आपका अगर बी म्यूटेंट है, एस टू आई कन्वर्जन होगा लेकिन आई टू पी कन्वर्जन नहीं होगा, तो आपका जो कलर रहेगा आई का स्ट्रेन का वाइट आई रहेगी. और ये हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला के केस में होता है. अब दूसरे वाले केस में भी आपका अगर ए सबस्ट्रेट टू इंटरमीडिएट बनेगा नहीं, भले ही चाहे उसमें बी जीन प्रोडक्ट हो, तो ये कन्वर्जन होगी नहीं क्योंकि इंटरमीडिएट प्रेजेंट ही नहीं जिसपे बी जीन का प्रोडक्ट एक्ट करता है. अब ये हमारा ए ए कैपिटल ए स्मॉल बी है, इसमें स्मॉल ए कैपिटल बी. अब जब इसकी प्रोजिनी होगी, इसमें क्या होगा, आपका ये हेटरोजाइगस कंडीशन मिलेगा आपको, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है. कैपिटल ए स्मॉल ए आपका डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आपका ये भी डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा फॉर द बी जीन प्रोडक्ट. तो आपका सबस्ट्रेट टू इंटरमीडिएट कन्वर्जन होगा, इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होगा. सो जो आपका रिजल्टेंट, जो आपका जो आई का कलर होगा, दैट वुड बी रेड विच इज द वाइल्ड फिनोटाइप. ये जो वाइट कलर है ना, ये आपका म्यूटेंट फिनोटाइप है, जो आपका रेड है दैट इज वाइल्ड फिनोटाइप. तो कॉम्प्लीमेंटेशन यही बोलता है कि अगर हम दो म्यूटेंट ऑर्गेनिजम्स के क्रॉस करें, सो वी गेट अ वाइल्ड टाइप फिनोटाइप. तो कॉम्प्लीमेंटेशन का यही है, कॉम्प्लीमेंटेशन में आपको यही करना है, इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं आपको. वैसे क्वेश्चन इसके मेरे को देखे भी नहीं ज्यादा. सर सर कॉम्प्लीमेंटेशन के अंदर वाइट आई जो वन वाला स्ट्रेन है सर, वो तो वाइट है क्योंकि उसमें कैपिटल ए प्रेजेंट है. सर सेकंड वाला वाइट क्यों है सर, उसमें तो कैपिटल ए नहीं है सर, वो बी जीन की वजह से वाइट हो रहा है. देखो आपका सबस्ट्रेट जो है ना, ये वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा. हाँ ये जो सबस्ट्रेट है आपका, अच्छा, जब तक ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता तब तक आपका रेड कलर नहीं देगा. ये आपका कन्वर्जन है, मान लो कि इंटरमीडिएट बीच में बना ले, इंटरमीडिएट कलर नहीं दे रहा वो. ओके ओके ठीक है. तो वो सबस्ट्रेट का ही कलर है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द जीन, तो वो सबस्ट्रेट का ही कलर आ रहा है. सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो, इंटरमीडिएट के आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो रेड कलर नहीं बनेगा, ठीक है. अच्छा इसके आगे अभी कंटिन्यू करूं या फिर नेक्स्ट क्लास में करूं, वो बता दो मेरे को. इसके आगे आपका लिंकेज रिकॉम्बिनेशन आ जाएगा, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पढ़ाना मेरे को, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है. बता दो जैसे बोलोगे वैसे, ठीक है. नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास कब, संडे को रखें अगली क्लास इसकी, मूल बायो ये जेनेटिक्स की. ये आपको मेरे को ये डिस्कस करना है, फिर इसमें छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, फिर बाकी रिकॉम्बिनेशन आपको बताना है थोड़ा, माइक्रोबियल जेनेटिक्स जिसमें आपका प्लाज्मिड वगैरह बताऊंगा थोड़ा, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन ये सब टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं. नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा कवर शायद पूरा. सो इफ इट इज पॉसिबल नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी रख के और ये वाला खत्म कर सकते हैं क्या, मॉल बायोजेनेटिक्स? हाँ हो जाएगा खत्म, पूरा कर दूंगा, क्योंकि लिंकेज जेनेटिक्स इसमें लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में थोड़े बहुत एक फॉर्मूला है, रिकॉम्बिनेशन का थोड़ी बहुत टर्म्स है वो बतानी है बस. जेनेटिक डिसऑर्डर के तो पेडिग्री एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो पेडिग्री बोल देंगे आपको, डॉटर का फिनोटाइप क्या होगा, अगर पेरेंट ये है कैरियर है, एक फीमेल मदर कैरियर है, फादर आपका इज डोमिनेंट फॉर द डिजीज, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा. नेक्स्ट क्लास देखता हूँ थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, अगर 6:30 कर देंगे 1.5 घंटे में हो जाएगा पूरा. अच्छा जितना पढ़ा है आज उसमें किसी को कोई डाउट, आरएनए आई हो गया हो, आपका नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात हो या फिर पोस्ट मेंडेलियन डेविएशंस, मैं एक बार ये देख के भी आपको बता दूंगा इसमें जो था आपका. हाँ सर वो रेशोज वाला, क्योंकि मैंने इसका देखा था शायद दो जगह अलग अलग, दोनों जगह मैंने ये चीज देखी थी, एक शायद आकाश के आपके मॉड्यूल्स में जो होता है उसमें भी यही था रेशो,
और इसमें भी यही रेशो था मेरे नोट्स में स्कूल के थे। सर सिलेबस के अंदर एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर दे रखा है, तो वो वो आपका वो हॉरिजॉन्टल जीन तो ट्रांसफर कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन वही मतलब वो आ रहा है ना, बैक्टीरिया वाला है ना। हाँ ठीक वो है। बहुत ज्यादा इजी वो टॉपिक है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो था वही पूछेंगे। नॉर्मल कॉन्जुगेशन में एफ प्लाज्मिड जो होते हैं, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होते हैं, एच एफ आर स्ट्रेन बनता है, वही सब है वो बता दूंगा आपका। नॉर्मल जो 11th 12th में पढ़ा था ना आपने, जो कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन का सेल के चैप्टर में था शायद, इस सेल में था या किस में था, हाँ पता नहीं किस में था, याद नहीं आ रहा। बैक्टीरिया वाले था मैं शायद, बैक्टीरिया जिसमें कवर करा था ना उसमें आपको कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन था। तो वही है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है वो डिस्कस कर देंगे। रिकॉम्बिनेशन में भी ज़्यादा नहीं है आपको एग्जाम के रिस्पेक्टिव में, थोड़ा बहुत रैक ए का है प्रोटीन का वो डिस्कस करना है, बाकी तो ज़्यादा क्लासिफिकेशन में ले जाऊंगा। अच्छा बाकी लोग बताओ यार जो पढ़ाया आज कब समझ में आया? यस सर कोई टॉपिक जो पढ़ाया हो रिपीट करना हो फिर से समझाऊं?